काशी में उल्लास के साथ रंगभरी एकादशी का पर्व मनाया गया। माता गौरा के गौने की रस्म निभाते हुए बाबा विश्वनाथ व माता गौरा की चल प्रतिमाओं की निकली पालकी यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा भोले की नगरी काशी में रंगभरी एकादशी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। रंगभरी एकादशी पर बाबा काशी विश्वनाथ के पूजन का क्रम ब्रह्म मुहूर्त में महंत आवास पर आरंभ हो गया। वैदिक ब्राह्मणों ने बाबा एवं माता पार्वती की चल प्रतिमाओं को पंचगव्य तथा पंचामृत से स्नान कराया। मंत्रोच्चार के बीच स्नान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चल रजत प्रतिमाओं का दुग्धाभिषेक किया गया। भोर में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा षोडशोपचार पूजन पंडित सुनील तिवारी के आचार्यत्व में हुआ। इसके बाद बाबा को फलाहार का भोग लगाकर महाआरती की गई। राजसी ठाट में श्रृंगार के बाद झांकी के दर्शन जनसामान्य के लिए खोल दिए गए। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बाबा की मध्याह्न भोग आरती की। भोग आरती के साथ ही सांस्कृतिक अनुष्ठान शिवांजलि का शुभारंभ हो गया। वहीं इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ व मां पार्वती की चल प्रतिमाओं का भव्य श्रृंगार कर उन्हें सुसज्जित पालकी में विराजमान कराया गया। इसके बाद महंत आवास से पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा काशी की सकरी गलियों से होते हुए विश्वनाथ धाम पहुंची। वहीं इस दौरान पूरा परिक्षेत्र रंग गुलाल और फूलों से पट गया। लोगों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हुए इस उत्सव को मनाया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। वहीं इस अद्भुत नजारे को देखने हेतु जन सैलाब उमड़ पड़ा और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र लोगों की भीड़ से पट गया। डमरू की ध्वनि, शंखनाद व हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। आज रंगभरी एकादशी है। आज के दिन बाबा जो है अपना गौना लेके जाते हैं महंत आवास में। वहाँ गौरा सदा निवास करती हैं। आज भगवान शंकर देवाधिदेव काशी पुराधिपति भाई माँ पार्वती को बैठा के गोद में गणेश जी को लेकर शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे। भक्तों की भीड़ देखिए, डबरों का निनाद देखिए, शंख की ध्वनि देखिए, शहनाई देखिए, नाटकुट का अश्विन का भारत बाजा देखिए। ये जुलूस चलता है और ये कारों बहुत दूर जाता है। पहले गली थी, मकान था, वहाँ जाता था। अब यहाँ से जाने की वह प्रथा ये तीसरा साल है, यूँ तो 358 साल है और ये हमेशा चलता रहेगा। यहाँ से बाबा साक्षी विनायक और भृंडराज अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए विश्वनाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार से वह विराजमान कराए जाएंगे, क्योंकि दक्षिणी द्वार से बाबा जाते हैं और जाके बाबा विश्वनाथ गर्मी में शिवालय बाबा के बन गए हैं, उसी के अंदर बाबा जाएंगे और उसी के अंदर जो है विराजमान होंगे, जिनके साथ भक्त होली करेंगे। और आप सब कितने भाग्यशाली हैं, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित, आज आप लोग बाबा के संग होली खेल रहे हैं, मानव के साथ नहीं खेल रहे, देवादेव महादेव के साथ होली खेल रहे हैं। मन का अबीर उड़ा है, मन का गुलाल उड़ा है, न रोक है न टोक है, और इसका आनंद आपको खुद मजबूत होगा। इस अबीर में शांति मिलेगी, इस अबीर में आपको सब कुछ में, ये अबीर अगर थोड़ा सा प्रसाद आप लेके घर जाएंगे तो आपके घर में लगेगा कि माँ गौरा माँ शिव का प्रसाद मुझे आज ही प्राप्त हो गया। आज वाराणसी और काशी में रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पे काशीवासी बाबा विश्वनाथ का, भोलेनाथ जी अपनी पार्वती का गौना लेकर जब यहाँ से रवाना होते हैं, आज कापुरी काशी इस रंगभरी त्यौहार के रूप में और एकादशी के रूप में इसको मनाती है, जिसको देखने के लिए पूरा विश्व, पूरा उत्तर प्रदेश और काशीवासी का जनसैलाब उमड़ा है।